हाय एवरीवन, अ वेरी गुड एंड फ्रेश गुड मॉर्निंग टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों के साथ सॉरी फील करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों को रेगुलर हम ब्लॉग नहीं लेकर आ पा रहे हैं और आप लोग भी इतने अच्छे से इंतजार करते हो हमारे ब्लॉग का। तो आप लोगों के साथ प्रॉमिस है मेरा कि आप लोगों को कंटिन्यू हमारे ब्लॉग मिलेंगे। अब और अभी पानी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो इसको मैंने झूले में डाल दिया है और प्रियंका को बोला कि आप इसका ख्याल रखना और मैं जा रहा हूँ नीचे गाँव के लिए। हाय एवरीवन, तो अभी हो रहा है टाइम दोपहर के 12:30 और सूरज बिल्कुल सीधा है और बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही है मुझे। मम्मी और पापा गए हुए हैं, मेरी सिस्टर बेबी के वहाँ पे फंक्शन है तो उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए, और मैं और प्रियंका और वाणी घर में ही है। और अभी वाणी बहुत ज़्यादा क्राई कर रही थी तो इसलिए मैंने प्रियंका को बोला कि मैं ही स्कूटी के ऊपर जाता हूँ और पशुओं के लिए पानी भी पिला, पशुओं को पानी भी दे देता हूँ और घास भी मैं डाल दूँगा उनको। आप यहाँ पर वाणी को देखिए, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये मैंने स्कूटी पार्क की हुई है। तो अब चलते हैं घर की तरफ जल्दी जल्दी क्योंकि मुझे भी धूप में ज़्यादा देर रहने के लिए मना किया हुआ है क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि किस तरह से मेरे साथ एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। और जो भी प्रिकॉशन है वो बरतना, मैं समझता हूँ कि बरतनी चाहिए मुझे क्योंकि जब तक आपकी हेल्थ है तो आप कुछ भी कर सकते हो और वही बात है। और आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना प्रे किया और मेरे बहुत ज़्यादा काम आया, और भगवान का भी बहुत बहुत लाख शुक्रिया कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ मेरे साथ। तो ये है हमारा किचन गार्डन, ये देख सकते हैं मेरे पीछे, इसको हमने बीज दिया है यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह। तो अभी रिजल्ट में दिखाऊँगा आप लोगों को, यूँ ही आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा हमारे चैनल पर। और आप लोगों का ढेर सारा प्यार और सपोर्ट तो हमारे को मिलता ही रहता है, कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है हमें। आप लोग हमारा सच्ची में दिल से बहुत ज़्यादा साथ देते हो। और ये है हमारा गांव वाला घर। तो अभी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, चलते हैं घर की तरफ ही। अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यहाँ पे सास बहू की जोड़ी और यहाँ पर प्रियंका लगा रही है मम्मी के हाथ और पाँव में मेहंदी। बेबी के घर में फंक्शन है, पिछले कल उनके घर में जगराता था तो माता रानी सबकी मुरादें पूरी करे। और यहाँ पर प्रियंका भी जल्दी जल्दी में मेहंदी लगा रही है क्योंकि वाणी बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। उसने एक चीज़ सीख ली है आजकल, वो बेड के ऊपर तो जरा भी नहीं रहती, उसको उठाकर घुमाना पड़ता है हमें। अपनी यूट्यूब फैमिली के हर एक सिंगल मेंबर से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वाणी की इंस्टाग्राम की आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आज, तो प्लीज़ सारे के सारे वाणी को इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। आप लोगों को तो ऑलरेडी पता ही है कि हमारे 24,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो सारे के सारे यूट्यूब फैमिली को एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा। हमारे चैनल का जो फर्स्ट माइलस्टोन है 25,000 सब्सक्राइबर्स का, तो वो भी जल्द से जल्द पूरा करवाने में हमारी हेल्प कीजिए। बाकी आप लोगों ने हमारा हमेशा साथ दिया है, यूं ही आगे भी हमारा साथ देते रहिएगा। तो मेहंदी तो हो चुकी थी पिछली रात को कम्प्लीट और अभी मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई हो गए हैं रेडी जाने के लिए। और ये देख सकते हैं आप, तो हम लेकर जा रहे हैं लस्सी और दही दूध, तो ये सारी चीज़ें हम लेकर जा रहे हैं ताकि फंक्शन में काम आ जाए। और एक बहुत बड़े पुण्य की बात भी होती है क्योंकि इतने ज़्यादा लोग कार्यक्रम में जो हिस्सा लेंगे उस इस अन्न को खाएंगे, सब्जियों को खाएंगे, तो बहुत अच्छा है, हेल्प करवानी चाहिए। और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के बारे में आप लोगों को बताएं, तो जैसे कि हमने आप लोगों को दिखाया था कि गेहूँ की फसल का पूरा काम हो गया है कम्प्लीट। जो भी हमारे को फसल हुई थी उसको हमने अपने स्टोर में स्टोर कर दिया है और अब हमने अपना ट्रैक्टर निकाल दिया है क्योंकि नेक्स्ट वाली फसल की तैयारियां भी अब जोरों शोरों से स्टार्ट हो चुकी है। तो जैसे जैसे बारिश होती रहेगी तो हम अपने सारे के सारे खेतों को बीज देंगे और अब मक्की की बिजाई होगी और धान की। यहां पर आप सभी लोग हैरान हो रहे होंगे कि आपको तो सांप ने काटा हुआ है और आप इतनी कड़ी धूप में ट्रैक्टर घुमा कर कहां, मतलब कामकाज में पड़े हुए हो, तो आपको तो अपनी हेल्थ वगैरह का भी मतलब ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि आप लोगों ने कमेंट भी किए हुए थे। तो आप लोगों को मैं बताऊं, ये जो क्लिप हैं ये पुराने थे, जब मेरे को सांप ने काटा था उसके एक और दो दिन पहले के हैं, कैप्चर किए हुए थे ये जब बारिश हुई थी और हमने अपने खेतों को मतलब यहाँ पर हल चलाया था, मिट्टी को नरम किया था। ऐसे खेत बहुत ज़्यादा हार्ड हुए थे और इतना
ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो नेचुरल पत्थर बन चुके हैं खेत, तो खेतों को पहले इस तरह से नरम करना पड़ता है ताकि जो फसल अब इसमें बिजाई करेंगे उसकी अच्छे से ग्रोथ हो। बाकी खाद के लिए हम गोबर का यूज़ करते हैं, हमने पशु भी पाले हुए हैं जो हमारे साथ न्यू सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप हमारे प्रीवियस ब्लॉग भी ज़रूर देखें, हमने काफ़ी अच्छे से बनाए हैं, काफ़ी मेहनत की है हमने उनको बनाने के लिए। और जब हमने यूट्यूब अपना स्टार्ट किया था तो हमने शिमला से स्टार्ट किया था, तब मैं और प्रियंका शिमला में रहते थे। और ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ अभी अभी न्यू सब्सक्राइबर जुड़े हुए हैं और उन्होंने कमेंट भी किया हुआ था कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं बाणी की इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आज डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आपको इंस्टेंटली रिप्लाई मिल जाए करेगा, आप लोगों के साथ हमारी चैटिंग भी हो जाए करेगी क्योंकि कमेंट बहुत ज़्यादा आए होते हैं और कमेंट में उस तरह से बातचीत भी नहीं हो पाती। आप लोगों को अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ दिखा रहा हूँ, साथ के साथ एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जैसे बोलते हैं मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो हाँ जी ये कहावत सच हो सकती है अगर आप सच्चे मन से काम करें, कड़ी मेहनत करें, तो देखिए इस तरह के रिजल्ट आप लोगों को भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने पलम का पेड़ लगाया हुआ था और आपके सामने ही लगाया हुआ था, कितना छोटा सा था ये, तो आज देखिए इसमें पलम लग गए हैं इस तरह से और फ्रूट मिलना भी स्टार्ट हो गया है, तो रिजल्ट आप सभी लोगों के सामने है। तो आप लोग भी यूं ही कड़ी मेहनत करते रहिए, जिस भी फील्ड में आप लोग काम करते हो एक ना एक दिन आप लोगों को भी ज़रूर सफलता मिलेगी। बट यही है बात कि आप लोगों को सच्ची लगन से काम करना है, कुछ भी शॉर्टकट का तरीका आप लोगों को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अपनी तरफ से अपना हार्डवर्क करते रहिए, ईमानदारी बरतें हर चीज़ में और गोल जो है वो आप लोग अचीव कर लोगे। इसी तरह से हमने फ्रूट के और भी पेड़ लगाए हुए हैं, हमने लीची का पेड़ लगाया हुआ है, पलम का पेड़ आप लोगों को दिखाया, सेब आप लोगों को दिखाए और हमने ऑरेंज का पेड़ भी लगाया हुआ है, अनार के पौधे भी हमने लगाए हुए हैं। तो आप लोगों को अपने गांव की सैर भी करवा दी और एग्रीकल्चर एक्टिविटी वगैरह से भी अपडेट कर दिया कि क्या चल रहा है आजकल हमारे गांव में। बाकी अब आप लोगों को ले चलता हूं अपने ऊपर वाले घर में, बाकी बाणी वगैरह से भी मिलवाऊंगा आप लोगों को और जो बाणी का नया कारोबार स्टार्ट है उसका रिजल्ट भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो अब पहुँच चुका हूँ मैं यहाँ पर घर में पर, और अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को एक अपडेट देता हूँ, तो ये देखिए इसका शुभ काम बाणी के हाथों से हमने स्टार्ट किया हुआ था और बाणी इतनी ज़्यादा लकी है हमारे लिए, तो तकरीबन मतलब हमने दो हफ्तों के अंदर अंदर ही 12,000 की ये जितनी भी कैंडीज वगैरह थी हमारी पूरी की पूरी देखिए यहाँ पर सेल आउट हो चुकी है। ये देखिए सारे के सारे डब्बे दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखिए सारे के सारे सेल कर दिए हैं हमने। और आज तो छुट्टी है स्कूल में यहाँ पर, तो आज उतनी ज़्यादा सेल नहीं हुई है लेकिन हुई है तब भी। और ये देखिए पूरा का पूरा फ्रिज कैंडी से भरा हुआ है, ये देखिए हर एक वैरायटी हमने रखी हुई है यहाँ पर। तो हमारे पास देखिए 5 रुपये से स्टार्ट है और पूरा टोटल जो हाईएस्ट है वो है हमारी 60 रुपीज़ तक। तो इसमें चोकोबार है, बाकी मैंगो बार है, मिल्क बार है और कॉर्नेटो है और भी बहुत सारे फ्लेवर हैं हमारे, हर एक चीज़ रखी हुई है और काफ़ी अच्छा चल रहा है ये। और अभी बाणी सोई हुई है, मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये बाणी सोई हुई थी लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आया रूम में तो इसने शायद मेरी आवाज़ सुन ली और ये एकदम से अचानक से ही उठ गई यहाँ पर, तो ये हंस रही है अभी, इसकी हो गई है गुड मॉर्निंग, क्यों बाणी हो गई है गुड मॉर्निंग ना। बाकी आप लोगों ने देखा कि बाणी के मुंह में ये हमने एक निप्पल डाला हुआ है, तो ये इसलिए डाला हुआ है आजकल बाणी पता नहीं क्या हो गया इसको, तो ज़ोर ज़ोर से ये क्राई करने लग जाती है। और एक चीज़ सीखी हुई है इसने कि जैसे इसको बेड के ऊपर हम रखते हैं तो पहले तो ऐसा था कि ये काफ़ी टाइम तक मतलब 1-2 घंटे तक मतलब बेड पर रहती थी, लेकिन आजकल ऐसी हालात हो गए हैं हमारे कि ये 5 मिनट भी नहीं यहाँ पर रुकती है और इसको मतलब उठाकर चलना पड़ता है, इसको शायद आदत पड़ गई है इस चीज़ की।
ये था हमारा आज का ब्लॉग, और आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करने की बात बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं और आप लोग काफ़ी अच्छे अच्छे सजेशन भी देते हो हमें, और हो भी आपके पास अभी तक कोई भी सजेशन जिसको देनी हो तो आप प्लीज़ कमेंट में दे सकते हैं अपनी सजेशन, और आपकी सजेशन को हम पूरा का पूरा 100% पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं जल्द से जल्द। और जैसे कि आप लोगों को बताया मैंने कि आज इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वाणी की, तो प्लीज़ जरूर फॉलो कीजिएगा। आज के ब्लॉग की कर रहा हूँ यहीं पर एंडिंग, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।